ईशान जहां एक तरफ न्याय दिलाना चाहता है सभी को, वहीं उसके लिए ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली। आप जानते ही हैं कि सभी के साथ जितना अन्याय हुआ है उसके बाद अब ईशान बेहद नाराज है। वो जानता है कि सभी को कई बार उसके उन चीजों की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब से ईशान को ये पता चला है कि सभी नहीं उसके परिवार का सदस्य ही इन सारी चीटिंग में मौजूद था, शामिल था, तब से वो और ज्यादा शर्मिंदा हो चुका है। हम आपको बता दें कि अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सभी को बोर्ड मीटिंग में बुलाया गया है, लेकिन सभी बोर्ड मीटिंग में जाने को तैयार नहीं। ऐसे में अब ईशा ने वाइस चांसलर को लेटर लिखने की सलाह जो है सभी को दी थी। सभी ने वाइस चांसलर को ना सिर्फ लेटर लिखा है बल्कि बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए जब वो तैयार नहीं हुई तो ईशा और बाजीराव उसके साथ बोर्ड मीटिंग में गए हैं। ईशा ने एक बार फिर से सभी का साथ दिया है। हालांकि आप जानते ही हैं कि ईशा को भोसले परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता, और ईशा को देखकर जिस तरीके से ईशान उससे बात करता है, इन सारी चीजों से पहले भी ईशा टूट चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने फैसला लिया कि वो सभी का साथ जरूर देगी। और इसीलिए वो सभी के साथ जब भोसले इंस्टीट्यूट पहुंची है तो यहाँ पर उसने साफ साफ उन सारी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है जो सभी के साथ हो रहा है। यहाँ पर सभी और ईशा के साथ बाजीराव भी पहुंचा है, और यहाँ पर अब बाजीराव को इनके साथ देखकर भोसले परिवार काफी ज्यादा हैरान है, और खास करके ईशान। लेकिन यहाँ बाजीराव ने अब इस बात को लेकर कसम खाई है कि वो सभी, ईशा और शांतनु सर के परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई आंच नहीं आने देगा, और इसीलिए कई सबूतों के साथ अब सभी बोर्ड मीटिंग में पहुंची है। सभी हालांकि इन सभी से माफी जरूर मंगवाएगी, लेकिन इसके बावजूद सभी इस बात का फैसला लेने वाली है कि वो रामटेक चली जाए। यहां पर ईशान उसे रामटेक जाने से रोकता नजर आएगा, लेकिन जब सभी नहीं मानेगी तो वो हाथ जोड़कर माफी भी मांगने वाला है। तो एक बात तो तय है कि अब आने वाले एपिसोड से आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन ईशा और ईशान के बीच की जहां दूरियां खत्म होती नजर आएंगी, वहीं सभी और ईशान भी अब एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सभी इतना कुछ सहन करने के बावजूद क्या ईशान को और भोसले परिवार को माफ कर देगी? क्या ईशा वाकई में वापसी करेगी भोसले परिवार में? आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।